अस्सलाम वालेकुम। चिकन टिक्का की बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को आप इस तरह से क्यूब्स में काट लें। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक कप दही लेंगे। दो टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। वन टीस्पून हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून नमक। वन टीस्पून गरम मसाला। और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस मसाले में मैरिनेट किए हुए चिकन को शामिल करेंगे। चिकन के तमाम पीसेस पर मसाले की अच्छी कोटिंग होनी चाहिए। अब हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म होने पर इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। और इस तरह से फैला देंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर चिकन टिक्का को पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे चिकन की क्या कंडीशन है। 5 मिनट के बाद हम चिकन को चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन की रंगत कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। अब हम चिकन की साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरीके से चिकन बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। हमारे चिकन टिक्का की दूसरी साइड भी डन हो चुकी है। चिकन टिक्का की इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका ये तजर्बा कैसा रहा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।